बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का, वो भी मट्टी के तंदूर में। ये मट्टी का तंदूर हमने बनाया, तो इसमें बनाएंगे, तो इंशाल्लाह बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमने दही शामिल किया, उसके बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच रेड मिर्च, एक चम्मच हल्दी का, डेढ़ चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच जाएगा खुश्क धनिया और एक चम्मच तकरीबन इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। ये तमाम चीज़ें हम दही के अंदर शामिल करेंगे। और जो चिकन है हमारे पास वो 1 किलो है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें हम तकरीबन 2.5 चम्मच शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च जो है उसका भी हमने कूट लिया है उसको, वो भी। लास्ट में एक नींबू का रस इसमें जाएगा। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। चिकन जो मैंने लिया है वो मैंने बड़े साइज़ में लिया, तो इसके अंदर हम मैंने कट्स लगा लिए हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी ले सकते हैं। तो अभी इसको मैं इसके अंदर करूँगा शामिल। अभी इसको हम जो है ना मसाले को अच्छे तरीके से चम्मच को साइड पे करके हाथ की मदद से हम करते हैं। अभी इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आग जलाई है हमने तंदूर के अंदर, तो अभी हम बना रहे हैं कोयले। और ये जो लकड़ी हमने जलाई है इसके कोयले बन जाएंगे, और इसके बाद हम जो है वो चिकन के टिक्के बनाएंगे मज़ेदार से। कोयला हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, तो अभी तंदूर के अंदर हम सीखें लगा देंगे। बिस्मिल्लाह।
अब हम चिकन रख देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर। अभी हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू जो है वो बहुत प्यारी आनी शुरू हो चुकी है। अभी इस साइड पे भी ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल बिल्कुल मामूली सा ही इस्तेमाल करेंगे हम। अभी इसको हम ढांप देंगे ढक्कन की मदद से। अभी ढकने की मदद से इसको हमने ढांप दिया ताकि इसका जो सेक है वो बाहर ना आए। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। अभी हल्का हल्का जो है वो धुआं नज़र आ रहा है, ये जो हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था ये उसकी वजह से है। अभी ढक्कन उठाते हैं और चेक करते हैं। अभी करते हैं चेक। ये देखें जी माशाल्लाह साथ ही थोड़ा सा रायता भी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने जो सब्ज़ धनिया है उसको कूट लिया। नमक माशाल्लाह से हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये तंदूर में बहुत ही मज़ेदार बना है। मैंने थोड़ा सा चेक किया है, बहुत ही मज़ा, बहुत ही जायकेदार है। तो अभी निकाल लेते हैं बाहर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह से, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।